हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की वोकैबुलरी क्लास का छठा दिन और आज के दिन मैं आपको इंटरव्यू से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगा उनकी हिंदी के साथ। और ये इंटरव्यू लेने वाले के भी काम के, इंटरव्यू देने वाले के भी काम के, कुछ ज्यादा ही काम के, तो प्लीज नोट कर लेना, इन्हें याद भी कर लेना। अब इंटरव्यू से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंटरव्यू से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश वर्ड्स उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, एक एक एग्जांपल भी दूंगा। पहला वाला है एक्यूरेट। एक्यूरेट ये ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल इंटरव्यू लेने वाला भी कर सकता है और इंटरव्यू देने वाला भी कर सकता है। इसका यूज करके आप दिखा सकते हो कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। एक्यूरेट का हिंदी में मतलब होता है एकदम सही सही, एकदम सही सही, शुद्ध एकदम। बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। मुझे अपना एकदम सही सही नाम बताओ, मुझे एकदम सही सही जानकारी दो, मुझे अपना एड्रेस एकदम सही सही बताओ, उसने एकदम सही सही बताया था। सो एकदम सही सही। अब जैसे मुझे कहना है मुझे अपने बारे में एकदम सही सही बताओ, मुझे अपने बारे में एकदम सही सही बताओ। सो इंग्लिश होगी गिव मी योर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, गिव मी मुझे दो योर एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि एकदम सही सही इंफॉर्मेशन, अपनी एकदम सही इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब यही होगा मुझे अपने बारे में एकदम एक्यूरेट बताओ। तो समझ में आ गया, यूज कर लेना एक्यूरेट, बहुत काम का ये, इंटरव्यू के टाइम पे यूज करना इसका, बस मुझे नहीं पता। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सेंसिटिव। सेंसिटिव अब इसका तो यूज आपने सुना ही होगा, सेंसिटिव सेंसोडाइन, नहीं दांतों के लिए नहीं सॉरी, इंसान के लिए इसका यूज बहुत अच्छा होता है। इंटरव्यू के टाइम पे इस वर्ड का यूज करके आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि आप क्या है, क्या है, पहले मतलब समझ लो इसका। सेंसिटिव का हिंदी में मतलब होता है भावुक, मतलब जो बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले ले, या बहुत जल्दी जिसे कोई चीज अच्छी या बुरी लग जाए, या बहुत जल्दी जो किसी चीज का बुरा मान जाए दिल पे ले ले। अब इतने सारे एग्जांपल दे दिए, अब तो समझ जाओ उसे सेंसिटिव कहते हैं। अब जैसे आपने कहना मैं बहुत ज्यादा भावुक इंसान हूं, मतलब ऐसा इंसान हूं कि मुझे कोई हर्ट कर देना तो मुझे दिल पे लग जाती है बात, मेरे ईगो को हर्ट कर जाती है। सो आप कह सकते हैं आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम वेरी, मैं बहुत हूं सेंसिटिव पर्सन, भावुक इंसान। तो एक तो होते कौन होते हो जिन्हें किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक होते जिन्हें किसी चीज बात का बुरा लग जाता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ज्यादा हिंदी झाड़ों में, तो उन्हें कहते हैं सेंसिटिव। ठीक है, अब जाओ अब इसका यूज मारो और नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर अब इसे भी आपने कई बार देखा होगा, टीवी पे सुना भी होगा सेंस ऑफ ह्यूमर। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज भी आप इंटरव्यू के टाइम पे कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर का हिंदी में मतलब होता है मजाकिया स्वभाव, मतलब जो हंसी मजाक में बातों को ले, जो छोटी छोटी बातों में जोक क्रिएट कर ले, सामने वाले को भी हंसाए, हमेशा हंसी मजाक का माहौल बनाए रखे अपने आसपास, कपिल शर्मा की शक्ल का हो, नहीं हाँ ये भी कह सकते हैं, तो उसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। अब जैसे इंटरव्यू लेने वाला आप बहुत ज्यादा मतलब मजाकिया है, माहौल खुशनुमा है, तो वो कह रहा है आप बहुत मजाकिया स्वभाव के, आपका मजाकिया स्वभाव बहुत अच्छा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे You have a good sense of humor. You have, आपका है, आपके पास है a good sense of humor, एक मजाकिया स्वभाव। आप अपने आप को भी कह सकते हैं I have a good sense of humor. मेरा जो स्वभाव है बहुत हंसी मजाक वाला है और मैं लोगों को हमेशा खुश रखता हूं, हंसाता रहता हूं। Sense of humor. आपके अंदर sense of humor है या नहीं? हमारे अंदर तो कूट कूट के भरा है। आओ अब next वाला देखें। और भैया next वाला है fresher. Fresher, fresh होने नहीं जाना है तुम्हें टॉयलेट में, पूरा मतलब समझ लो इसका fresher. इसे भी इंटरव्यू में लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आप भी कर सकते हैं। फ्रेशर का हिंदी में मतलब होता है नया नया, कुल मिला के कहें तो नौसिखिया, यानी जिसने उस फील्ड में अभी तक जॉब ना की हो। अब लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, उन्हें यह लगता है कि उन्होंने पहले जॉब की हुई है और वो अगर दूसरे फील्ड में जाते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस है, नहीं, क्योंकि उस फील्ड के लिए आप फ्रेशर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टीचर हूं और मैं जैसे मुझे कहीं किचन में खाना बनाने के लिए लगा दें तो मैं वो थोड़ी कहूंगा आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स या 3000 ईयर्स हड़प्पा से
संस्कृति से मैं टीचिंग कर रहा हूं वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा क्योंकि फील्ड चेंज हो गई है। सो आई एम फ्रेशर, मैं उस चीज के लिए फ्रेशर हूं, फ्रेशर बोलेंगे, सही है। अब जैसे मुझे कहना है मैं नया नया हूं, मैं नौसिखिया हूं, नया नया मतलब कंपनी में नया नया नहीं आया, उस जॉब के लिए नया नया हूं, पहली बार ये कर रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर। तो इंटरव्यू देते टाइम अगर आपको लगता है कि जिस जो जॉब आपको दी जा रही है उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी नहीं किया, तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए मैं एकदम नौसिखिया हूं, नौसिखिए, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैच्योर, अब इसे मटूरे मत पढ़ देना, स्पेलिंग इसकी ऐसी है लेकिन इसे मैच्योर पढ़ते हैं, मैच्योर। अब ये जो मैच्योर है इसका भी यूज पता नहीं पता हो ना पता हो, लेकिन आपने लिखा हुआ देखा होगा, लोगों को बोलते हुए भी देखा होगा, लेकिन सुनो मतलब क्या होता है मैच्योर का, हिंदी में मतलब होता है तैयार, यानी किसी चीज के लिए पूरी तरह तैयार होना, यानी उसके लिए मैच्योर होना कहलाता है। अब आप अभी पहले एक एग्जांपल दे दूं फिर बताऊंगा। जैसे इंटरव्यू देने वाले ने कहा आप इस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो मिस्टर राहुल, आपको पहले तैयार होकर आना पड़ेगा, आप इस नौकरी के लिए तैयार नहीं हो, सो यू आर नॉट मैच्योर फॉर दिस जॉब, यू आर नॉट मैच्योर, आप तैयार नहीं है फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए तैयार मतलब ये नहीं आप रेडी नहीं हो रहे, कपड़े वपड़े पहन के नहीं आए, मतलब यह है कि अभी आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं है, इंग्लिश आप उस लेवल की नहीं बोलते, मतलब अभी आप तैयार नहीं है, उसे मैच्योर कहते हैं। और आप जैसा आप कहना चाहते हैं नहीं नहीं मैं तैयार हूं सर, आई एम मैच्योर फॉर दिस जॉब, मैं तो मैच्योर हूं सर, तैयार हूं, रेडी हूं इसके लिए, परफेक्ट हूं एकदम, आई एम मैच्योर, मैं मैच्योर हूं। तो किसी भी चीज के लिए तैयार होना वो उसके लिए मैच्योर होना कहलाता है, तो सही है। अभी तुम्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा, पहले जाओ ट्यूशन लेके आओ इंग्लिश का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फेयर, फेयर फेयर मतलब गोरा वोरा नहीं है कि फेयर हम हो रहे हैं, इसका कुछ और मतलब है, और इसका भी इस्तेमाल आप इंटरव्यू के टाइम पे कर सकते हैं या इंटरव्यू लेने वाला कर सकता है। फेयर, अब सुनो फेयर का क्या मतलब होता है, फेयर का हिंदी में मतलब होता है निष्पक्ष, यानी जो पक्षपात ना करे, जो भेदभाव ना करे, सबको बराबर समझे, उसे फेयर कहते हैं। और जैसे इंटरव्यू लेने वाला कहे हमारी कंपनी हर एक वर्कर के लिए निष्पक्ष है, हम कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, बराबर बराबर सबको छुट्टी वुट्टी देते रहते हैं टाइम पे, सो इंग्लिश होगी और कंपनी इज फेयर फॉर द वर्कर्स, और कंपनी हमारी जो कंपनी है इज फेयर, वो निष्पक्ष है फॉर द वर्कर्स, काम करने वालों के लिए। अब आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे दैट कंपनी इज नॉट फेयर फॉर द वर्कर्स, वो कंपनी फेयर नहीं थी, लेकिन पुरानी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे आप किसी और चीज के लिए भी यूज करना चाहें कि दैट जॉब इज, दिस जॉब इज नॉट फेयर फॉर द पीपल, ये जॉब निष्पक्ष नहीं है लोगों के लिए, तो आप ये काम कर सकते हैं यूज करके। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड का मतलब सुनो क्या होता है, इसका यूज भी बहुत लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड का हिंदी में मतलब होता है अच्छी सोच वाला इंसान, या एक तरह से कहे ऊंची सोच वाला इंसान, जिसने अपने लिए बहुत ऊंचा सोचा, जो बहुत हाई थिंकिंग रखता हो, अच्छी सोच रखता हो, उसे ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। अब आप इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कह सकते हैं मैं एक अच्छी सोच वाला, मैं एक ऊंची सोच वाला व्यक्ति हूं, सो इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, यानी कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी सोच बहुत हाई है। लड़की भी बोल सकती है, लड़के ही बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं ये, सो इसका यूज करके भी आप दिखा सकते हैं कि आप ब्रॉड माइंडेड होने के साथ साथ कितने जहर इंग्लिश वाले हैं, सही है। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का पूरा सुन लो, कभी इसका मतलब समझ लो, डिप्लोमा लेने वाले को डिप्लोमेटिक कहते हैं, डिप्लोमा धरा रह जाएगा, पहले मतलब समझ लो डिप्लोमेटिक। और ये जो वर्ड है डिप्लोमेटिक, ये बोलने में भी बहुत कठिन सा, मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो ऐसे वर्ड ज्यादा अच्छे होते हैं इंग्लिश में, लोग भरम सा काट देते हैं ऐसे वर्ड बोल के। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक सोच रखने वाला, राजनीतिक सोच रखने वाला मतलब राजनीति से चाल चलने वाला, मतलब चाल चलने वाला बुरा मतलब नहीं, मतलब तरीके से काम करने वाला, प्लान बनाकर काम करने वाला, प्लानिंग बनाकर काम करने वाला, राजनीति कर काम करने वाला, मतलब एक तरह से कह सकते हैं चालाकी से काम करने वाला डिप्लोमेटिक कहलाता है। अब आप इंटरव्यू के टाइम कह सकते हैं मैं बहुत राजनीतिक तरीके से काम करने वाला इंसान हूं, एकदम प्लानिंग के साथ बढ़िया तरीके से काम करता हूं, सबके साथ मिलजुल कर राजनीति चमकाकर, सो इस इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ डिप्लोमेटिक पर्सन, इतना सा कह दिया बस, लंबा चौड़ा समझाया कहा इतना सही, आई एम अ डिप्लोमेटिक पर्सन, मैं एक डिप्लोमेटिक इंसान हूं, हिंदी में ही बोल सकते हैं मैं एक डिप्लोमेटिक पर्सन हूं, मैं एक डिप्लोमेट, मैंने डिप्लोमे किए हुए ये मतलब नहीं है इसका, समझ गया अभी जो मतलब बताया वो है इसका, सो डिप्लोमेटिक यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम काम आएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पैशनेट, पैशनेट इसका मतलब है पैशन प्रो चलाने वाला
नहीं 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 पैशन प्रो बाइक का नाम है, ये कुछ और है। पैशनेट, पैशनेट ये वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है इंटरव्यू के टाइम पर, और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। पैशनेट का हिंदी में मतलब होता है दिल से काम करने वाला, यानी दिल लगाकर मेहनत से जी जान से काम करने वाला, अपने पैशन से काम करने वाला पैशनेट कहलाता है। जैसे मैं कहूं मैं अपने काम को जी जान से करता हूं, मैं अपने काम को दिल लगाकर करता हूं, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम पैशनेट टू माई वर्क, आई एम पैशनेट टू माई वर्क। तो इस तरीके से सामने वाला मान लो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ ले कि आपके अंदर की ताकत क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, पूछ लेते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम पैशनेट टू माई वर्क, कि भैया मैं मेरे अंदर की ताकत, मेरे अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अपने काम को दिल लगा के करता हूं एकदम, और काम से भी दिल लगा लेता हूं, आसपास कोई काम कर रही हूं उससे भी दिल लगा लेता हूं। तो सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेथोडिकल, मेथोडिकल ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं मुंह में भी दर्द हो गया, बोल बोल के भी दवाई खानी पड़ेगी, पेन किलर। सो मेथोडिकल, अब मेथोडिकल का मतलब सुनो क्या होता है, इसका मतलब होता है तरीके से काम करने वाला, सुनियोजित तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो आपको डिप्लोमेटिक बताया था ना, समझ लो कुछ वैसा ही है मिलता जुलता, कि मतलब एक 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 काम का एक तरीका, एक शेड्यूल बनाने वाला, बहुत दिल से काम करने वाला, बहुत तरीके से एक के बाद एक एक, एक चीज करने वाला, तो उसको कहते हैं मेथोडिकल। जैसे मुझे कहना है मैं एक तरीके से काम करने वाला वर्कर हूं जी, मैं मुझे तो जॉब दे दो मैं यहां पर भरम काट दूंगा, पूरी कंपनी में अंबानी से बड़ी कंपनी बना दूंगा इसको, सही है। तो आप कह सकते हैं आई एम अ मेथोडिकल पर्सन, आई एम अ मेथोडिकल वर्कर, आई एम अ मेथोडिकल हीरो, हीरो क्यों कहेंगे, मतलब पर्सन वर्सन सही, हां सही है, तो आप ये बोल सकते हैं। तो देखा आपने, है ना कमाल की चीज। तो इस तरह से आप इंटरव्यू के टाइम पे इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब रुको, आपके लिए एक छोटा 10 हो गए, अब बस अब रुक जाओ, वीडियो में कुछ खास चीज बताने वाला हूं वो भी सुन लो, पहले आपका होमवर्क दे दूं। लगाओ जी इनके लिए होमवर्क, ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन उन्हीं शब्दों का यूज करना है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, उनका यूज करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग एक दूसरे का होमवर्क चेक करेंगे, उन्हें बता भी देंगे, उनकी गलती मेरी नजर पड़ेगी तो मैं भी बता दूंगा, लाइव भी करना एक दूसरे के होमवर्क को, मैं तो हर्ट देता ही हूं। अब इसका आंसर मिलेगा आपको कल के दिन वाली वीडियो में, तो मैच भी कर लेना फिलहाल, आज तो आप कर ही देना, मैच बाद में कर लेना, लेकिन कल जो मैंने बीते हुए कल में जो होमवर्क दिया था उसको चेक कर लेते हैं। लगाओ उसकी आंसर शीट, ये रही भैया आंसर शीट, इन्हें मैच कर लेना, वैसे आपने सही बनाए थे मैंने देख लिए थे, लेकिन फिर भी आप दिल की तसल्ली के लिए मैच कर लेना। अब जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक नया चैनल आया है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, बहुत गदर चैनल है, उस पर कमाल कमाल की इंफॉर्मेशन डालता हूं मैं, ताकि आपकी जिंदगी एकदम इंफॉर्मेशन नॉलेज से भर जाए, सरताज स्टोरीज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नहीं तो जाके डायरेक्ट सर्च कर लो यूट्यूब पे सरताज स्टोरी, सब्सक्राइब मार देना, सफेद वो पेन के खड़ा हुआ मैं वहां, अपनी क्या पेन के खड़ा हूं भूल गया मैं, सफेद रंग का कुछ, तो मैं लिंक कॉपी कर लेना, लिंक पे क्लिक कर लेना भाई बस, तो वहां सब्सक्राइब कर देना प्लीज, मुझे पीले बटन चाहिए, सिल्वर वाला जल्दी चाहिए बस, मैं सबर नहीं हो रहा मुझसे, तो प्लीज वहां 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो कैसे करके, सही है, फिर गोल्ड भी चाहिए वो बात की बात है, पहले 1 लाख कर दो, सब्सक्राइब कर लेना जरूर, काम काम की चीज मिलती है, खुद ही जाकर देख लो। अब जाओ ये जो आज इंटरव्यू वाली सिखाई दूसरों के साथ शेयर करना, और जाते जाते हेट चाचा लाइक देकर जाना।